हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके कैफे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या एक्सपेक्टेड हमारी डेट हो सकती है CBT 2 की, रेलवेज NTPC की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट थे। साथ ही साथ इसके अंदर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ रेलवेज ग्रुप डी के एग्जामिनेशन डेट के एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो एक तरीके से मैं इस वीडियो को लाना पसंद नहीं करता हूँ, बट बहुत ज़्यादा कमेंट थे मेरे पास कि आप SSC की वीडियोस लेकर आते हैं, रेलवेज की नहीं लाते। तो एक एस्टिमेशन के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या रहना चाहिए, तो वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात हम फैक्ट पर बात करेंगे, फालतू की चीज़ों पर नहीं देखना, न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं देखनी, क्योंकि जो यूट्यूबर है उनका इसी से काम चलता है और इन चीज़ों पर मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं। आपको किसी भी एक तरीके से भ्रम पे काम नहीं करना, आपको बस देखना है कि आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कह रही है या करंट सिनेरियो क्या कह रहा है। राइट, तो फैक्ट के हिसाब से देखिए, देखिए CBT 1 का जो आपका एग्जामिनेशन है 7th फेज़ का, वो अभी आपको बताया सभी को 31 जुलाई तक होगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। कई लोग बोल रहे थे कि NTPC तुरंत हो जाएगा CBT 2 के बाद, तो बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत ही बात है। क्योंकि देखिए, पहले किसका होगा, रेलवे ग्रुप डी का होगा। क्यों, इसका मैं आपको थोड़ा सा रीज़न आपको बता दूँ। 7th फेज़ के आपके 31 जुलाई तक कंप्लीट होंगे, लगभग लगभग आगमन मैं आपको बोल रहा हूँ 10 दिन तो इनको लगेगा आंसर की निकालने में। ठीक है, आंसर की तो एटलीस्ट 10 दिन लेते हैं, वैसे इतना बड़ा काम नहीं होता, अगर चाहे तो 24 घंटे के अंदर आ जाए, बट आप सरकारी काम जानते हैं, तो ये लगभग मेरे हिसाब से 10 दिन तो लेंगे ही। उसके बाद क्या होता है, 10 दिन के बाद आपकी जो भी आंसर की आएगी, फिर आपकी रिवाइज आंसर की भी आती है, क्योंकि उसमें कई लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, जैसे कई बार क्वेश्चन गलत के नंबर काट लिए जाते हैं जो सही क्वेश्चन होता है, तो उसके भी लिए ऑब्जेक्शन का टाइम मिलता है। उसमें भी आप अगर देखें तो एटलीस्ट आपको 1 हफ्ता तो लग जाता है, तो 15-16 दिन तो आपके यही निकल गए। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज आंसर की आती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 15-16 दिन इसमें निकल गए। इसके बाद आपका लगभग जब आपके पूरा क्लियर हो जाएंगे, डाउट वो सारे सबमिट कर लेंगे, फिर आपके बाद में उसका रिजल्ट वो अनाउंस करते हैं, और रिजल्ट अनाउंस करने में इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं बोलूँगा 2 महीने लगते हैं, बट जब भी आपकी आंसर की फाइनल जो हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट, उसके बाद 1 महीना तो लगेगा एटलीस्ट इनको, रेलवे वालों को। वैसे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जब अगर आप देखेंगे बैंक के एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल जल्दी से आंसर की आती है, तुरंत रिजल्ट आता है, तुरंत ज्वाइनिंग हो जाती है। बट ये आप SSC और रेलवेज़ के बारे में आप जानते ही होंगे, बताने की कुछ खास बात नहीं है, बट 1 महीना एटलीस्ट इनको लगेगा। फिर उसके बाद ये फिर होगा तो आपका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होगा, आप समझ लीजिए 1 महीने के बाद। फिर ये अगर ग्रुप डी को पहले NTPC को लेंगे फिर ग्रुप डी को लेंगे, तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ग्रुप डी की तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से, और उन्होंने पहले भी चेयरमैन जो थे उन्होंने बताया भी था कि पहले NTPC CBT 1 क्लियर करेंगे, फिर ग्रुप डी होगा, फिर आपका NTPC होगा। अब डेट देख लेते हैं, देखिए ग्रुप डी कब होना चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया इसका NTPC में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे NTPC की रिवाइज आंसर की आ रही है, इससे कोई लेने देना नहीं है ग्रुप डी का। जैसे ही क्लियर हो जाते हैं एग्जाम इनके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम बोलें तो अगस्त के लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे ये एग्ज़ाम, जितने चांसेस हैं, और ये मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सपेक्टेड रहते हैं, मेरी बात में बिल्कुल क्लियर भी मत समझिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि आपको कैसे पता, बट ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मैंने आपको SSC के CHSL और CGL की डेट के बारे में मैंने उम्मीद करी थी कि होना चाहिए, क्योंकि करंट सिनेरियो के हिसाब से इतना एक्सपीरियंस सबको होता ही है। तो यही बोलूँगा कि पहली बात तो जैसे इनका हो जाता है CBT 7th फेज़ का एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके कुछ दिन के बाद ये आपको क्लियर कर देंगे कि डेट क्या होगी, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड लॉन्च होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे एग्ज़ाम होते हैं। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि अगस्त के लास्ट में ग्रुप डी होने के चांसेस मुझे लगते हैं, बाकी आप समझ सकते हैं आपके हिसाब से जो भी आपको लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखें NTPC जो आपका CBT 2 है वो ग्रुप डी के बाद ही होगा, क्योंकि देखिए आप ग्रुप डी को लगल आप समझ हिसाब से समझे तो जैसे आपको ग्रुप डी का लग रहा होगा, तो 2 से 3 महीने तो एटलीस्ट लगेंगे आपके एग्ज़ाम को इनको कंडक्ट कराने में, क्योंकि लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है ग्रुप डी के लिए, और बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट बैठेंगे, और आप सभी को पता है कि कोविड प्रोटोकॉल को भी इनको फॉलो करना है, उसमें कम बच्चे बुलाए जाएंगे, शिफ्टें ज़्यादा लगेंगी। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा दिन खिंच जाएंगे, तो लगभग तो 2 या 2.5 महीने तो लग जाएंगे ग्रुप डी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में। फिर इसके बाद CBT 2 का एग्जामिनेशन होगा, और वो ज़्यादा बड़े फेज़ में या स्केल में नहीं होगा, क्योंकि 7 लाख बच्चे ऑलमोस्ट ये अपनी तरफ लेंगे CBT 2 का एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट जो बीच का टाइम है, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ जाएगा बीच में, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक पॉजिटिव साइन भी ले सकते हैं, तब तक अपनी तैयारी को मजबूत करिए। और ग्रुप डी वालों के लिए मैं यही बोलूँगा कि जितना टाइम हो उतना अच्छे से साइंस, स्टैटिक, GK इन सभी पर टाइम दे सकते हैं। तो यही कहूँगा, देखिए 7th फेज़ का कंप्लीट होने के बाद कुछ दिन के बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, और जहाँ तक हो सकता है कि लास्ट अगस्त चल जाए या मिड अगस्त हो जाए, मिड अगस्त थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा, बट हो सकता है कि एग्ज़ाम का नोटिफाई करके एग्ज़ाम को कंडक्ट करा दिया जाए, फिर ग्रुप डी के बाद आपके एग्ज़ाम होंगे जो NTPC CBT 2 के। और CBT 2 मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, CBT 2 जहाँ तक है 2-2.5 महीने बाद होंगे ग्रुप डी के। अगर आप समझते हैं कि अगस्त है, तो अगस्त के 2-2.5 महीने के बाद आप समझ लीजिए CBT 2 एग्ज़ाम
कंडक्ट करा लिए जाएंगे और बहुत ही छोटे स्केल में होगा। लगभग 7 लाख बच्चे हैं और मेरे हिसाब से 3-4 दिन लगेंगे इनको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में। तो ये ज़्यादा कंसर्न वाला पॉइंट नहीं है। फोकस करिए अपनी तैयारी पर, जितना हो सके जितने अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिए उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।